अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। एन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई में एंगल कितना है 45, तो 10 45। ए बी ई परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे ए बी, और बेस कितना है बी सी, 10 45 कितना 1। ए बी कितना है देखो, अगर ये एच है तो ये भी कितना होगा एच होगा, एच, ये पूरा 60√3 ठीक है, और ये कितना है एच, तो ये ए बी कितना आएगा 60√3 माइनस एच, 60√3 माइनस एच, भाई इस पूरे में से इसे माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, तो 60√3 माइनस एच अपॉन बी सी, बी ई होगा ये अपॉन बी ई, बी ई कितना है जितना सी डी होगा यानी कि एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू 60√3 माइनस एच फर्स्ट, ठीक है। नाउ एन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना ए सी और बेस कितना है सी डी, ठीक है 1060√3 ए सी 60√3, भाई ए सी तो 60√3 है और सी डी कितना है एक्स, ठीक है तो एक्स रूट थ्री इज इक्वल टू 60√3। फर्स्ट में देखो एक्स की वैल्यू है हमारे पास फर्स्ट में, तो यह एक काम करो इस रूट थ्री से यही रूट थ्री क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एक्स कितना हो गया 60, ठीक है ये भी एक्स ये भी एक्स फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है तो 60 इक्वल्स टू कितना 60√3 माइनस एच, इस माइनस को यहाँ ले आओ तो ये एच हो गया, तो 60√3 माइनस कितना 60, तो एच क्या 60 कॉमन ले लो रूट थ्री माइनस 1, ठीक है तो एच आ गया 60 1.732 माइनस 1, तो 60 इंटू 0.732 सॉल्व करके लिख लेना मीटर में आ जाएगा।